हेलो सलाम नमस्ते केम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज मैं आया हूँ माउंट आबू में और आज मैं आपको माउंट आबू अच्छे से घूम के दिखाऊंगा। तो चलो चलते सीधा माउंट आबू की तरफ। तो ये आबू का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रात को 1 बजे उतरे थे और सीधा होटल में गए थे। तो यहाँ से हमने एक टैक्सी बुक की है साथ में और यहाँ से हम जाएंगे माउंट आबू हिल के ऊपर। आगे आगे बैठेंगे, एकदम रेलवे स्टेशन पे ही आपको मिल जाएगा ऐसा। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं माउंट आबू की तरफ। ना माउंट आबू, माउंट आबू ये हमारे ड्राइवर साहब है। तारीख बनकर आपकी तारीख जितनी करो कम है। रेलवे स्टेशन से माउंट आबू करीब 30 किलोमीटर पड़ेगा जिसे हम इसी रास्ते से जाएंगे और करीब इसमें आधा घंटा लग जाएगा, आधा से एक घंटा लग सकता है। थैंक यू अंकल। लोकल गाड़ी को भी देना पड़ता है? सेटिंग वेटिंग नहीं रखते उनको इधर? नहीं, हम ही कोई सेटिंग रखते होंगे। और नहीं, अपने आप लोगों की गाड़ी है, नहीं यहाँ वालों का पेट दुखता है। हाँ सेटिंग 5 साल चला है। जैसी भी वाले पेट मिलेगा 5 क्या 4.5 साल चला है। तो ये है पूरा माउंट आबू का मेन चौक। यहाँ से सीधा वो नक्की लेक की तरफ जाएंगे और जो भी यहाँ पे आसपास के लोकेशन है वो पूरा घूम के दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे स्कूटी रेंट पे जिसका 200 रुपये रेंट होगा पूरे सुबह से ले सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। अगर आपको नाश्ता पानी करना हो तो यहाँ पे आप नाश्ता पानी भी कर सकते हो। डोमिनोस हो, कैश भी चलता है और UPI भी चलता है। तो यहाँ से हमने स्कूटी लिया रेंट पे 200 रुपये। आप देख सकते हैं मेरा दोस्त रेडी है हेलमेट पहन के और हम लोग जा रहे हैं अब स्कूटी लेके। तो पहले हम जा रहे हैं स्कूटी में पेट्रोल भराने के लिए। जोरदार का लग रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं नक्की पॉइंट की तरफ। अभी जो सामने तालाब दिख रहा है इसी को नक्की तालाब कहते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नक्की झील की तरफ। देख सकते हो ये सामने एंट्री गेट है। तो ये पूरा गार्डन जैसा बनाया हुआ झील के आसपास। यहाँ पे थोड़ी बहुत राइड्स भी है तो हम चल के 1-2 राइड्स भी ट्राई करेंगे। ये नेम प्लेट्स यहाँ बिक रही है, आप बनवा सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्टॉल्स भी लगे हुए, जो भी आपको चीज़ लगे कुछ खरीद सकते हो तो खरीद लीजिए।
सीधा सामने सब बाकी राइट्स लेंगे, राइट्स मिलेंगे फिर वो लोग अपने। तो ये है पूरा नक्की झील। ऐसा कहते हैं कि यह नक्की झील नाखून से खोद खोद के बनाया हुआ है, और इसकी ऐसी मान्यता है कि किसी राजा ने ऐसी शर्त रखी थी कि जो भी एक रात में ऐसी नाखून से खोद के झील बनाएगा उसको अपनी बेटी से विवाह कर देगा। तो अभी हम चलते हैं एक बोट राइड की तरफ। तो ये यहाँ पे नक्की झील में बोट राइड है, 200 रुपये पर पर्सन चार्ज है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे माउंट आबू का। तो ये है पूरा नक्की झील, आप देख सकते हो यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक है, और इसे पूरा एक इंसान ने नाखून से खोद के बनाया है, और इसके बदले उसने राजा की बेटी से विवाह किया था। तो ये नक्की झील के आसपास पूरा गार्डन है, यहाँ पे आप बैठ के टाइम पास कर सकते हो या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, और कुछ नाश्ता पानी करना तो वहाँ सामने नाश्ता पानी भी कर सकते हो। माउंट आबू में बंदर बहुत है जिसे लंगूर बोलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे एक दो बंदर है। ये नक्की तालाब के आसपास मार्केट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट कुछ भी खरीद सकते हो। ये राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट है। ये मार्बल आइटम्स, ये सामने होटल है लेक व्यू, कितना मस्त लग रहा है। अभी हम पैदल चलते चलते नक्की लेक की दूसरी साइड पहुंच चुके। तो ये है नक्की लेक का व्यू पॉइंट। और वहां ऊपर से ये नक्की लेक का व्यू पॉइंट। अभी हम लोग देलवाड़ा मंदिर पे पहुंच गए, तो चलता हूँ आपको मंदिर के अंदर लेके। देलवाड़ा मंदिर का गेट है, ये मंदिर के बाहर थोड़ी बहुत दुकानें हैं।
आप देख सकते हो राजस्थान हैंडीक्राफ्ट आइटम, मैगी की दुकान, यहाँ प्राचीन पीर बाबा मंदिर है और ये सामने मंदिर है आपको। तो मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर बाहर से दिखा देता हूँ। ये बाहर का मार्केट है, यहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा और भोजनालय जाने का रास्ता यहाँ से, और मंदिर देलवाड़ा मंदिर के बाजू में ये गार्डन जैसा है, तो वो मैं गार्डन दिखा देता हूँ। ये मंदिर का बाहर का हिस्सा है, तो आपको मंदिर में बाहर से दिखा देता हूँ। अब हम चलते हैं गुरु शिखर की तरफ, जो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अब वहाँ पे मिलते हैं। अभी हम लोग गुरु शिखर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे एक अच्छा व्यू पॉइंट मिला है, तो हम वहाँ पे रुक के थोड़ा वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डैम टाइप का बना हुआ है, जैसे लोकेशन आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा फोटो शूट के लिए। तो आप देख सकते हो ये मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ से हम थोड़ा नीचे उतरेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ पास से। या इसको नदी कह सकते हैं। तो अभी हम लोग गुरु शिखर पॉइंट के पार्किंग एरिया पे पहुंच गए, जहाँ पूरा पेड पार्किंग है। यहाँ 4 व्हील का 30 रुपए लेते और सर 2 व्हील का 20 रुपए। तो हमने यहाँ पे स्कूटी पार्क कर दी है और चलते सीधा गुरु शिखर पॉइंट की तरफ।
हमने अपना टू व्हीलर पार्क कर दिया है और हम चलते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ से कुछ 300 स्टेप्स है, तो वो आप सीधा चढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है। ऐसे करके पूरे 300 स्टेप्स चढ़ने हैं। बंदूक लेनी है? बंदूक भी है, बंदूक बंदूक तीन ना, अभी नहीं, बाद में आके देखते देख लेना, रिटर्न में 300 में। सीढ़ियां चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, आप चढ़ सकते हो। आप आइए और चढ़िए यहाँ पे, और यहाँ से आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। वो वापस लेके आएंगे? हाँ, बस थोड़ा खा पी कर आइए और पानी वगैरह साथ रखिए। तो ये है गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। तो ये माउंट आबू का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे अरावली पर्वत कहते हैं या गुरु शिखर पॉइंट कहते हैं। यह करीब 1722 मीटर ऊंचा है और यह गुरु शिखर का सबसे ऊंचा पर्वत है। वो उसको थक थक के लगेगा, भारी पड़ता है, भारी पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, चरण पादुका के भी दर्शन करके 3 बार घंटा बजाकर एक मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। आबू का सबसे ऊंचा पर्वत जो करीब 1722 मीटर ऊंचा है, और इसे हमने 300 स्टेप्स चढ़ के पूरा किया है। यहाँ पे आप पहुँच के नाश्ता पानी भी कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो। कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे? ये था माउंट आबू का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।